दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल चार्ट पेपर पर कौन सा फिगर बना के ले जाना है और एग्जामिनर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप 30 में 30 अंक आसानी से प्राप्त कर पाओ। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल। जी हां दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम में यानी कि जो वाइवा होने वाला है उसमें आपको 30 में 30 इस वीडियो के देखने के बाद मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% फिजिक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का आपको फिगर बना लेना है अपने चार्ट पेपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हमारे चैनल पर भी जाएंगे तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ट्रांसफार्मर चित्र कैसे बनाना है यानी कि चार्ट पेपर पर, ठीक है। तो उससे बनाने के बाद आपको जो एग्जामिनर जो जितने भी क्वेश्चन पूछता है यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ज्यादातर वह एग्जामिनर जो चार्ट पेपर पर आप फिगर बनाए रहते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना, जिससे बहुत ही आसानी से आप एग्जामिनर को प्रशंसित कर पाओ। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, ट्रांसफार्मर क्या है, यानी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा दो या ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप सभी को बता देना है। यानी कि वहां पे लिख के कोई चीज बताना नहीं है, बस आपको उसे समझाना है, ठीक है। आपको वहां परिभाषा भी नहीं डिटेल से देनी है कि यानी कि एकदम परिभाषा परिभाषा रटना है, बस आपको उसे समझाने का प्रैक्टिस करना है यानी कि यहाँ पे कैसे समझाना है। तो आप सभी से आपको ऐसे बताना है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो उच्च वोल्टेज की धारा यानी कि एसी प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की धारा में और निम्न वोल्टेज की धारा को उच्च वोल्टेज की धारा को परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यह चीज है, आपको बता देना है इसकी परिभाषा, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज की धारा को उच्च वोल्टेज की धारा में परिवर्तित करता है, बस वही साधन है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी कि इतना यानी कि शॉर्ट में जितना शॉर्ट में आपको आंसर दे पाओ उतना देना है, ज्यादा वहां पे टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2 से 3 मिनट का समय मिलता है और इसमें 3-4 क्वेश्चन वहां पूछ लेता है, ठीक है। तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर सिंपल यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, आपको बता देना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, यानी कि ज्यादातर इतने ही भी आपको रुक जाना है जब वह अलग से पूछेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, यानी कि अंतर बताओ, ठीक है। तब आपको बताना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर को निम्न वोल्टेज की धारा को उच्च वोल्टेज की धारा में परिवर्तित करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च विभव की यानी कि उच्च विभव की धारा को निम्न विभव की धारा में परिवर्तित करने के लिए अपचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से याद कर लेना है, यानी कि देखिए यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, यहाँ पर निम्न वोल्टेज की धारा को उच्च वोल्टेज में और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे उच्च वोल्टेज की धारा को निम्न वोल्टेज की धारा में। बस आपको मैं यहाँ पे ये तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऊंचाई को निम्न से शुरू करना है और अपचाई को उच्च से, ठीक है। तीसरी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, जिसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं यानी कि एसी करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो प्रत्यावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, तो नर्म लोहे की, ठीक है, नर्म लोहे की। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, जी हाँ दोस्तों, दक्षता कितनी होती है, तो 90% से लेकर 88%, और जो बाकी परसेंटेज है दोस्तों वह ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है, यानी कि वह पूछ सकता है कि 90% ही क्यों, यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% या 98% क्यों होती है और बाकी जो 100% में इतने परसेंटेज बच रहे हैं दोस्तों वह कहाँ पर जाती है, तो ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती है यानी कि भंवर धारा बन जाती है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में क्रोड को प्रचलित क्यों रखा जाता है, यानी कि उसे पट क्यों रखा जाता है, तो आप सभी को यहाँ पे बता दें कि भंवर धारा को कम करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, भंवर धारा को रोकने के लिए या कम करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, भंवर धारा को यहाँ पर कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है, यानी कि एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भंवर धारा क्या होती है, तो आपको बता दे रहे हैं कि अत्यधिक ऊष्मा की जो हानि है उसी को भंवर धारा कहते हैं और इसी रोकने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में ठंडा करने के लिए तेल को डाला जाता है,
यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरती है, आकाशवाणी जो वहाँ पर आकाशीय बिजली होती है दोस्तों, वहाँ पर गिरती है तो ट्रांसफार्मर फट करके तेल गिरने लगता है और रिसाव होता है, तो वहाँ पर आग लगने की खतरा रहता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है दोस्तों, वहाँ पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए और जो उष्मा होती है दोस्तों उसे कम करने के लिए, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर डायरेक्ट करंट है, जी हाँ दोस्तों, डिस्ट धारा में को में क्यों नहीं किया जाता है, यानी कि जो आपका इन्वर्टर वगैरह है उसमें क्यों नहीं ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता, यानी कि जो डिस्ट धारा है वह क्रोड में परिवर्तित जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डीसी में नहीं किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ट्रांसफार्मर का यहां पर जो खोज किसने की थी, ठीक है, तो फैराडे ने की थी। यहाँ पर आपको लिख लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख करके, फैराडे ने, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताना है कि फैराडे ने जो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे खोज की थी, और इसी तरीके से आपको बता देना है। और आप, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप 30 में से तो 100% 30 ला सकते हो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ किए रहते, क्योंकि आपको दो ही मिनट का, एक ही मिनट का समय मिलता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम को जल्दी से जल्द क्वेश्चन को आंसर देना होता है, और वो 60 में, क्योंकि वह उसके पास एक दिन में लगभग 1000 छात्र, यानी कि हर स्कूल में जाना पड़ता है, यानी कि एक से दो दिन का स्कूल में कवर करता है, जिसकी वजह से 500-600 छात्रों को जो क्वेश्चन पूछता है, जिसकी वजह से वह थक जाता है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आप जो भी जो 60 में क्वेश्चन आंसर देना चाहते हो दे कर सकते हो, और आपको आराम से 30 में 30 मिल जाएगा, बस यही क्वेश्चन। और आपको ट्रांसफार्मर के अलावा और जो भी टॉपिक बनाना चाहते हो, यदि आप उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम से, यानी कि मैं आपको चैनल पर बताता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने केमिस्ट्री का भी बता दिया है, तो चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वाइबा से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, वहां से जाकर के आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और भी आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल फाइल होती है दोस्तों, एक प्रैक्टिकल चार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल फाइल होती है, उसमें मैं फाइल में क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी चीज बताया हूं, तो फाइल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहां पर बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी, जहां पर एक मिल जाएगी फाइल, यानी कि प्रैक्टिकल फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल को कैसे लिखना है, वहां पे मैंने सारा कुछ बताया है, और लाइव बैक टू बैक यानी कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया हूँ, जिससे आप आसानी से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।